बिहार में शराब को शराब नहीं आरडीएक्स कहा जाना चाहिए। बिहार पुलिस शराब की छापेमारी तो ऐसे कर रही है जैसे आरडीएक्स की कर रही हो। इतनी फुर्ती अगर चोर डकैत अपराधी को पकड़ने में पुलिस दिखाती तो बिहार में क्राइम रेट वैसे ही घट जाता। लेकिन बिहार पुलिस तो इन दिनों शराब की छापेमारी में व्यस्त है। इतना ही नहीं, शराब की छापेमारी का खुमार बिहार पुलिस पे इस कदर चढ़ा हुआ है कि घर में हो रही शादियों में जबरन घुसकर दुल्हन के कमरे में छापेमारी की जाती है। पिछले साल 2021 में नवंबर की घटना हो गई जब बिहार पुलिस पटना के एक शादी समारोह में घुसकर शराब की छापेमारी कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने दुल्हन के कमरे को भी नहीं छोड़ा, जिसके बाद भारी बवाल हो गया। एक बार फिर से बिहार पुलिस शादी समारोह में छापेमारी करने घुस रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो वीडियो बिहार के सासाराम का बताया जा रहा है। यहां पर नई नवेली दुल्हन के घर में घुसकर पुलिस शराब की छापेमारी करने की जिद पर अड़ गई है। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस वाले बकझक करने लगे। वीडियो बनाने वाली महिला पुलिस पर आरोप लगा रही है कि पुलिस ने उसके भाई को भी पीटा है, जैसा कि वो वीडियो में बोलती हुई नजर आ रही है। बिहार पुलिस की इस तरीके के शराब की छापेमारी करनी बहुत ही निंदनीय है। बिहार सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। वीडियो के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि बिहार पुलिस के इस रवैये से कितना आप संतुष्ट हैं। बाकी खबरों के लिए न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आपको खोजना है, खोजिए। आप किसी का हाथ नहीं उठा सकते हैं। आप हम लोगों का हाथ काहे उठा लीजिएगा? देखिए, नहीं 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 रहना है। आप चाहे हल्ला करिए, हमारे नहीं आई है। आप लोग ही कर रहे हैं कि हमारे घर अभी नहीं, कल गोपनी आई है, कल गोपनी आई है, गोपनी आई है, कल हमारी गोपनी आई है। देखिए घर में, देखिए कल गोपनी आई है, तो लोग आए कि नहीं हमारे घर? अभी तो अंगा हुआ है इनका। क्यों घुसी है मेरे घर में? क्यों घुसी है? इतना पावर में बात नहीं कीजिए। आप लोग हाथ उठा दिए हल्ला करके। चुप रहिए ना, सुनिए ना, चलिए हम।